हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे गैलेक्टिसो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड शेयर के बारे में। 21.15 करंट प्राइस है, अपर सर्किट लगा है लास्ट सेशन में। इस शेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले 52 वीक हाई 88 है, टर्नओवर 4 करोड़ का है, मार्केट कैप 315 करोड़ का है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। रीज़न बताऊँगी क्यों। कोई भी चीज़ कभी भी लाइफ में बिना रीज़न के नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है, सितंबर क्वार्टर का। जब मैं आपको वो रिजल्ट बताऊंगी तभी आप समझ जाएंगे कि ये शेयर क्यों है इतना अच्छा। तो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। इनकी 6 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो चुकी है और उसमें Q2 सितंबर का रिजल्ट आ चुका है। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं गैलेक्टिसो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। स्क्रॉल डाउन करेंगे, Q2 का रिजल्ट कैसा आया है और कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से, तो आप देखेंगे रिजल्ट कितना ही आउटस्टैंडिंग है। फ्रेंड्स, इस शेयर में आप एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं बिकॉज रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड उसके बाद इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगी वो आप खुद उससे समझ जाएंगे कि शेयर में प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए एक पैनी स्टॉक है, आपको एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो इसे शॉर्ट टर्म में। सो फ्रेंड्स, ये लैक्स में है सारा वॉल्यूम, तो मैं आपको लैक्स में ही बताऊंगी और लैक्स में ही कंपेयर करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जानेंगे टोटल इनकम सितंबर क्वार्टर में क्या आई है। तो डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मुझे सेट करने दीजिए सो दैट मैं आपको भी समझा सकूँ। सो फ्रेंड्स, 140 टोटल इनकम जो आई है सेप्टेम्बर में वो आई है 144 लाख की, जो पिछली बार थी 67 लाख की, तो बहुत अच्छा जंप हुआ है। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस आए हैं 50 लाख के आसपास, जो पिछली बार 54 लाख थे। बट मेन चीज़ प्रॉफिट आया है 75 लाख का सेप्टेम्बर क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में बहुत ही कम था। जून क्वार्टर में प्रॉफिट था सिर्फ 9 लाख का, तो 9 लाख से सीधा 75 लाख का प्रॉफिट आया कंपनी का सितंबर क्वार्टर का। तो शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा पैसा शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं बिकॉज Q2 का रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग आया है। अब जानेंगे फ्रेंड्स इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि कितने प्रोमोटर्स हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग है इस शेयर में, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 71.15%, जो दिसंबर 2021 से सेम है। पब्लिक की होल्डिंग है 28% के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके साथ ही Q2 में 75 लाख का प्रॉफिट आया है, जो बहुत ही अच्छा है। एंड 23 रुपीज़ का टारगेट मैं आपको बहुत ही कम टाइम के लिए दूंगी, उसके बाद टारगेट्स अचीव होने दीजिए, उसके बाद टारगेट्स को रिवाइज कर दूंगी। तो पहला टारगेट हम 23 रुपीज़ का लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा शेयर है ये, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए। इसका रीज़न है क्योंकि इसका Q2 का रिजल्ट अच्छा आया है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है एंड फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तीनों चीज़ें अच्छी हैं फ्रेंड्स पैनी स्टॉक में, अगर आप कोई पैनी स्टॉक देख रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपको क्वेरी है इस शेयर से रिलेटेड आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट ये शेयर अच्छा है फ्रेंड्स एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए। सो अगर आपने चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।